तो दोस्तों स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने ब्लॉग में जिसका नाम है गुम्बकड़ी ब्लॉग्स। तो दोस्तों मैं आज आया हूं सारनाथ। सारनाथ वो पवित्र स्थल है जहां पे भगवान गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों के साथ। चूँकि परिसर अभी बंद है, मेन मंदिर बंद है, इसीलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस पवित्र स्थल के अंदर। एक चिड़ियाघर है जू के अंदर, आपको लेके चलते हैं। टिकट घर वहाँ पे है, तो चलिए टिकट लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों टिकट मिल चुका है। बहुत जल्दी लिए भाई टिकट, टिकट बहुत जल्दी कटाए भाई लड़के ने। बस यानी दो लोग हैं। ये देखिए अंदर जाने का रास्ता है, ये इसको दिखाना है। हमारा चेक हो चुका है और जैसे ही अंदर आप लोग झरना इस्तेमाल, झरना काफी प्यारा दिख रहा है। ये क्या दिखाइए नहीं, ये जो है चिड़ियाघर की। हाँ ये चिड़ियाघर के चारों तरफ से ये बाउंड्रीज बनाया गया है। ये इस तरीके से पानी जो है वो एक छोटा सा बनाया गया है बाउंड्री टाइप का, बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। ये सुनो ना, ये देखिए यहाँ पे जो बोर्ड लगा है चिड़ियाघर के साइड में, यहाँ पे जितने भी जानवर इस चिड़ियाघर में है उनका यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। काला हिरन, पीतल, घड़ियाल, व्हाइट स्टार, व्हाइट स्टार, हवा सील, लोहा सारस, ब्लैक नेक भाई स्टॉक, लोहा सारस, लग व्हाइट नेक स्टॉक यार। इस साइड से, इस साइड से, इस साइड से, किधर से। तो दोस्तों जो हम अपने साथ हैं, जो हमारे दोस्त हैं राहुल, क्या राहुल दुबे, राहुल नाम दुबे, तो सुना ही होगा। राहुल दुबे हमारे साथ हैं जो कि हमको घुमाने लेके आए हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं बहुत ही बेहतरीन दृश्य, मजा आ जाएगा आपको। चलिए वहाँ गोल साइड में जो है वहाँ पे भी एक मगरमच्छ वहाँ रहते हैं, और यहाँ ऊपर भी बहुत अच्छा पार्क है, उधर भी हम चलेंगे बाद में। और ये नीचे जो आप देख रहे हैं इतना बड़ा जो नेट से जो है ग्रीन कलर का घेरा गया है, इसमें जो है पानी है और पानी के अंदर पक्षी हैं, हंस है, ऑस्ट्रिच है, मोर है, और भी बहुत सारे प्रकार के जीव हैं। दोस्तों हम आ गए हैं उस जगह पे जहाँ के नाम हम लोग पढ़ रहे थे, जांघिल, लोहा सोरस, पता नहीं क्या क्या नाम। तो ये है, ये देखिए, ये जांघिल, लोहा सारस, वाइट स्टॉक, और ये है लगलग, लगलग हवा सील, हवा को सील कर देता है। तो ये है यहाँ पे, ये देखिए लाइव, देखिए इन लोगों को आपको देख रहे होंगे वैसा। और इधर हाँ, जैसा कि आप लोग ने देखा लाइव, हवा सील, लग स्टॉक, वाइट स्टॉक, और भी जो जो पंछी जान। तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। आइए देखिए लोग कितना मतलब मज़ा कर रहे हैं, देखिए कितनी भीड़ है। ये देखिए बहुत ही विचित्र प्राणी को आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना इतना बड़ा जो, ये क्या यार, एमू, एमू है, देख रहे हैं इसका गर्दन है और ये जो है ना इसकी पीछे की बॉडी है। यार इधर देखो तो एक बार घूम के, ये बहुत ही बूढ़ा हो चुका है, थका हुआ है, तो इसलिए ये देख नहीं रहा है, तो इसको धूप भी लग रहा है। ये ऑस्ट्रिच है यार, शुतुरमुर्ग है, मिलेगा आपको एक बहुत ही सुंदर सा कौन सा पक्षी है भैया ये, लिखा तो नहीं है यार लेकिन पहचानना पड़ेगा। दोस्तों हम लोग घूम रहे थे यहाँ पे सारनाथ के जू में, तो
तो काफ़ी चीज़ें आप देखें और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अभी नहीं देखे हैं। तो अभी थोड़ा सा हम लोग बैठ गए हैं, यहाँ पे चेयर लगी हुई है बैठने के लिए, आराम कर सकते हो आप। फिर धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। ये हमारे साथ हैं राहुल दुबे, इनका नाम लिया था मैंने, ये काफ़ी अच्छे कलाकार हैं और इंसान हैं, तो यही लेकर आए हैं हमको घुमाने के लिए। तो कहिए दो शब्द आप बताइए। सारनाथ तो मैं पहले बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन मेरे दोस्त ने बोला कि मुझे घुमाना यार, मेरे को यहाँ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो बोला ठीक है चलो यार, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हैं, चिड़ियाघर है और मंदिर है, बहुत अच्छे अच्छे बौद्धिस्ट के प्लेस है, स्तूप है, तो मैं घुमाता हूँ। तो अभी हम लोग तो आए हैं सारनाथ चिड़ियाघर घूमने के लिए, देखते हैं आगे क्या क्या घूमते हैं। हाँ, देखते बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली मंदिर बंद था, उसका टाइमिंग है, और हम लोग गलत टाइमिंग पे आ गए, तो इसलिए जू घूम रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको मगरमच्छ, एकदम खतरनाक जानवर। और मगरमच्छ भाई रेस्टिंग पोजीशन में है भाई साहब, इनको डिस्टर्ब किए तो खा जाएंगे, डिस्टर्ब मत करो। धीरे धीरे दिखाते हैं आपको, रेस्ट कर रहे हैं भाई साहब। एक ही है क्या मगरमच्छ? ये चिड़ियों के लिए छोटा छोटा सा है ना, वो बनाया गया घर टाइप का। हाँ देखो साफ कर रहे हैं डियर पार्क, मिनी जू। मिनी जू मतलब ये छोटा चिड़िया। अरे वो तो ये देखिए, छोटे छोटे पक्षी हैं, ये बजरी बाजगर पक्षी मिलता। अरे अच्छा नहीं लगा ये, यहाँ पे जो चिड़िया है इसको पता नहीं कौन सा चिड़िया बोलते हैं। यहाँ ऊपर जो है आपको हिरन देखने को मिलेगा। तोता तो दिखाओ, तोता तो बहुत देखे यार लोग, तोता क्या दिखाओगे, वही सेम टू सेम गांव वाला है। तो यहाँ के सारे हिरन गायब हो गए हैं, वो अंदर रेस्ट कर रहे हैं। मैं पिछली बार आया था तो ये सारे के सारे यहीं पे इकट्ठा हुए थे। इस ब्रिज के इस साइड जो वही नदी है, ब्रिज के नीचे नीचे गई है, तो उस साइड जो है बोटिंग चालू है, क्योंकि उधर पानी साफ है। इधर जो है जंगल जो है ना, चारों तरफ से नदी के ऊपर घिर रही है। इसके पीछे देखो सारी नदी पानी है, जलकुंभी। तो पानी के ऊपर ये पूरा जलकुंभी जो है ना, ये उग आया है, जिसकी वजह से इधर जो है ना बोटिंग बंद हो गई है, और ये जो है क्लीन किया जाएगा। इसके बीच से यू अगर थोड़ा सा साफ कर दिया होते तो बोट अगर चलता इसके बीच से, तो बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर बैठ के लोग यहाँ का नज़ारा, इसका भी नज़ारा ले रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों ये है छोटा सा ब्रिज, जिससे होते हुए हम लोग जाएंगे नदी की तरफ, जहाँ पे बोटिंग भी होती है। अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो आराम से कर सकते हैं। वाह, ये तो अफ्रीका का जंगलों के बीच जो नदी नहीं होती है वैसा है, और सेम ये नदी ब्रिज के इस पार जो है, इधर जो है पौधे उगाए हैं जलकुंभी के, जिसकी वजह से वो ढक गया है, कवर हो गया, दिखाई नहीं दे रहा है। ये बौद्धिज्म का एक आवास है, यहाँ पे बुद्ध लोग रहते हैं, और वहाँ एक छोटा सा बुद्ध की मंदिर भी है। यहाँ देख रहे हैं ना वो ऊपर, वहाँ बौद्धिस्ट टेम्पल टाइप का लग रहा है, लेकिन वहाँ पे स्कूल है बौद्धिज्म का, आवास भी है। वहाँ पे जो है बौद्धिस्ट जो है तिब्बत के नेपाल के आगे रहते हैं, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं। और उसके बगल में बुद्ध की जो है वो मंदिर है, मंदिर के बगल में ये चिड़ियाघर है। ये नेचर ट्रेल करके कुछ लिखा हुआ है, आगे डायरेक्शन दिखा रहा है, तो आगे देखते हैं नेचर ट्रेल में क्या है। ये जो खूबसूरत नेचर है इसी के बारे में बताया जा रहा है। आगे एक कैफ़े भी है, वहाँ चाय पीने के लिए, नाश्ता करने के लिए पार्किंग है। वो जो वहाँ मतलब टेबल वेबल लगाया गया है, चेयर भी लगाया गया, तो वहाँ पार्क है, तो आराम से बैठ के। वहाँ से भी हिरन जो हम लोग नहीं देख रहे थे उधर से, वो सारे हिरन का ये पूरा गार्डन है, एरिया है, तो उस साइड से भी हिरन कुछ दिखते हैं। बड़ा है यार, बहुत ज़्यादा यार, बहुत बड़ा एरिया है सारनाथ का। यहाँ खूबसूरत दृश्य देख रहे हो नेचर का, और यहाँ बनारस में जितनी चीज़ें आजकल के डेट में डेवलप हो गई है, गाँव में या बड़े बड़े शहरों में भी नहीं है।
इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस है ये। तो दोस्तों ये डियर पार्क का ये कैंटीन है जहाँ पे आप कुछ खा सकते हो। देखिए लोग, बहुत सारे लोग हैं जो खा रहे हैं, खा पी रहे हैं। ये देखिए पानी बोतल ले रहे हैं भाई साहब, ठंडा लेना एकदम। ये देखिए यहाँ पे आराम से आप जो है कुछ खा पी सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए हिरन जो वहाँ पे सो रहे थे, हम लोग पास आए गए उनके, तो ये जो है दिखा रहे हैं आपको हिरन जो ये पानी पीजिए घूम रहे हैं, हिरन की तरह दौड़ी है। एक्वाफिना एक्वाफिना है आपके साथ हिरन, ये देखिए घूम रहे हैं। उठा ये देखिए बोटिंग का भी है सिस्टम यहाँ पे, वो देखिए हिरन यहाँ से, ये जो है बोटिंग का सिस्टम है। कितना खतरनाक दृश्य लग रहा है भाई, हैं? अफ्रीका का जंगल है भाई, साउथ अफ्रीका भाई, खतरनाक लग रहा है। साउथ अफ्रीका में ऐसे तो हॉलीवुड की फिल्में हैं जिसमें सब गुम हो जाते हैं, एनाकोंडा भी आ जाएगा।